जुड़कर राम राम और नमस्ते। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने संतों के सानिध्य में खड़ा हूं और इन्हीं संतों के आशीर्वाद से हिंदुस्तान फलता फूलता आ रहा है सदियों से। और आज इसी हिंदुस्तान में एक इतनी बड़ी घटना घटन लग रही है जिसका मतलब पूरी दुनिया में वायरल है और मामला इतना खतरनाक है जिसको सुन के रूह कांप जावे। गुरु जी सुनो एक बार, एक परिवार राजस्थान के बैसली गांव का, चूरू जिले का जाट परिवार, और उस परिवार में एक मौत हो है 80 साल की दादी की। परिवार सोचा है नेचुरल मौत है भाई, एज हो रही है, दस्त हो गए, गुजरगी। ठीक 14 दिन बाद एक बच्चे की मौत हुआ है, ठीक 14 दिन बाद एक बच्चे की मौत हुआ है, और परिवार सोचा है भाई हो गया होगा, ये भी होगी होगी, कुछ दिक्कतें आ गई होंगी भाई, स्वस्थ बच्चा मरा है कती। उसके ठीक 14 दिन बाद लगातार एक बच्चे की और मौत हुआ है और परिवार सदमे में आ जाओ है। क्यों? जिसके दो ही संतान हो, दो ही घर के चिराग हो, वो बुझ जावे तो परिवार सदमे में आ जावे। 7 आदमियों का परिवार है, परिवार बच गया 4 आदमियों का। अब परिवार संकट में है तो यहाँ वहां दौड़ेगा भागेगा, वो परिवार भी भाग्या, सियाणे सपटे साधु बाबा सब दौड़े गया। जैसे ही वो घर से निकले उनके घर में आग लगनी शुरू हो जाती है, सबके सामने, बिल्कुल सबके सामने कपड़े में आग लग गई, संदूक जो रखी है उसके अंदर आग लग गई, यानी कि उनके घर में नमक में आग लग गई, मिर्चों में आग लग गई, हर जगह आग लगी। अब इस मामले में प्रशासन सख्त होया, पुलिस आई, एसपी साहब के सामने आग लगी, एसडीएम आया उसके सामने आग लगी, और उसके बाद जो फॉरेंसिक जांच वाले हैं उनके सामने भी आग लगी। अब पुलिस और सख्त होगी, अब पुलिस ने वहां बहुत सारे पहरे बिठा दिए और लगातार ये सिस्टम चलता ही आ रहा है। वहां बहुत सारे छाने गए, तांत्रिक गए, उनसे पैसे भी ऐठे, 90,000 ले गया, कोई 80,000 ले गया, कोई हवन कर गया, कोई कुछ कर गया, कोई फर्क नहीं। तो आप सारे संत हो और भगवान गरीबदास की वाणी को जानने वाले हो, तो मेरी रिक्वेस्ट रहूंगी, पब्लिक भी परेशान है, मैं खुद भी परेशान हूँ, मैं रोज वहां जाऊँ, आपके जाने के बाद वहां जाने वाला हूँ। गुरुजी प्रणाम। बच्चे ने बहुत ही शुभ प्रश्न पूछा है, बड़ा सबके मंगलदायी प्रश्न है। ये प्रश्न का खुद का नहीं है, पूरी समाज का, पूरा जो भी हम धर्म कर्म को मानते हैं, तो एक बात उठती है कि भाई ऐसा है कि भाई वो इन्होंने खुद ही बताया कि सारे उपाय सब कुछ हथकंडे अपना लिए, लेकिन कोई फायदा, कोई लाभ, कोई किसी तरह का उपचार नहीं होता। बात ऐसी है कि आप सभी लोग सुन रहे हैं, ये क्या होता है सूक्ष्म जगत में, जैसे हमारे समाज में देखने को मिलता है एक आदमी अच्छा एक बुरा है, ऐसे सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ बहुत सारी होती हैं, जिसको नेगेटिव पॉजिटिव नकारात्मक सकारात्मक बोलते हैं हम। तो हम जो है क्या है कि वहाँ एक नकारात्मक ऊर्जा जो कि जो समाज दिख रहा, जैसे आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े हुए हैं लोग, तो 3.5 हाथ की काया जो है ये दिख ही रहा है, इसके अंदर एक मन होता है और ये तन की चोट हमको दिखाई देती, मन सर्व शरीर का शास्त्र में लिखा पूरे शरीर में होता है, कहीं उसका निश्चित स्थान नहीं होता, वैसे हृदय में कहते हैं लेकिन पूरे शरीर में ही रहता वो। तो ये जो जगत हमको दिखाई देता है स्थूल जगत है, इससे 9 गुना ज्यादा जो सूक्ष्म जगत होता है और उसमें अच्छाइयां बुराइयां सब तरीके होते हैं। और सबसे जो बढ़िया बात आपने पूछ ली, तो उपचार होता है, और उपचार क्या होता है, जैसे हमारी भाषा है, आदमियों की भाषा, हम बोल रहे हैं भाई वहां जाओ वहां आओ, ये हमारी भाषा होती है, लेकिन परमात्मा के पास भाषा नहीं जाती, वहां पर भावनाएं जाती हैं। तो हम जितने भी लोग खड़े हुए हैं मौन रूप से इसी तरह से प्रार्थना करें, और प्रार्थना क्या होगा, अंतरिक्ष में जाकर के उस तल पर टकराएगी, जहां पर जाकर के कोई नेगेटिविटी वहां पर आकर के उस परिवार को कष्ट दे रही, इस बच्चे का भी कष्ट हमने सुना, और ये कष्ट सभी का कष्ट है, अकेले का कष्ट थोड़ा ही, उस परिवार का कष्ट और हमारा सब, और धार्मिक लोगों का तो और ज्यादा। तो हम ये एक तो प्रार्थना करें, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब कोई नैया समुद्र के बीच में चली जाए, एक ही व्यक्ति हो और जो है वो चारों तरफ छेद हो जाए, उस नाम में कोई भी रास्ता नहीं, तो चिल्ला तो सकता ही है, तो हम उसको प्रार्थना कहते हैं, और प्रार्थना बड़े बढ़िया ढंग से कही जाए। और हम सुनते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जो है मुख पर विराजमान होती है, तो हम हमेशा ऐसा करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारी ये सनातन, हमारी वैदिक, हमारी ये जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, तो हम सबका जो है भला हो, ये ऐसी कामना, ये
हम कल भी भोग लगाएंगे तब यहाँ ये हमारी चलेगी, सबका सुख मिले, सबको सुख मिले, तो इस तरह की भावनाओं से ही वहाँ सुख होगा। कोई ओझा, कोई तांत्रिक, कोई शाना जो हमारी भाषा में बोलते हैं, तो उससे लाभ होगा इसका मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता, भावना से 100% लाभ होगा ऐसा मेरा मानना। गुरु जी जैसे जो परिवार है वो इतना दुखी है कि जिस घर में 3 मौतें हो जावे तो उस परिवार में गुरु जी रह के जाओ है, तो उस परिवार को कोई भी, जैसे बहुत सारे आगे हजारों मेरे पास निकल का फोन आ, मैं कर दूंगा ठीक, मैं कर दूंगा, वहां कोई नहीं जा रहा। बच्चे ऐसा जैसे मधुमक्खी का एक छत्ता, ऐसे कोई 20-30-50 मक्खियां निकल करके चारों तरफ भी करने लेंगे तो हमको सूझता भी नहीं है। इसी तरह का वातावरण वहां बन गया होगा कि एक तो वो खुद दुखी है, खुद परेशान है, और जो है वो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भीड़ में नहीं बताई जाती, आकल्ट प्रोसेस होता है इनका। और अगर आप वहां जाएं तो हमारा नंबर ले लें, हम नंबर बताएंगे। ये जो चीजें होती है ना, पैसे से इनका उपचार होता है, ये ध्यान से सुन ले कोई भी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस तरह की बातों के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। और जितना टंट गंट कोई जितना आडंबर बताएगा वो भी उसका उपचार नहीं होता, इसका उपचार सिर्फ प्रार्थना होती है। और प्रार्थना के जो बढ़िया तरीके कोई संत बता दे वहां बैठ करके हो जाए तो उनका निश्चित प्रकार से उनका लाभ होगा, उनको इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा, ऐसी मेरी मानना। गुरु जी जैसे ही मैं वहां पहुंचा, हम ऐसे ही बात करने लग रहे थे, बात करते करते वहां कोई नहीं था इस जगह पे, ये जो बच्चा बता रहा है हमको दिखा रहा है, ये कोई झूठ नहीं है, नकल नहीं है, कोई बनावटी बात नहीं है, ऐसा समाज में देखने को मिलता है। हमारी लंबी आयु है, बहुत समय से इन चीजों का हमको पता है पक्का कि जो हमारा सूक्ष्म जगत है, बहुत बार तो हमारी एक अज्ञानता से हम ऐसा कह देते हैं जिस चीज का हमको नहीं पता होता तो वो चीज है ही नहीं दुनिया में, ऐसा हम, वो हमारे अज्ञान का प्रतीक है, सब कुछ है दुनिया में। और ये इतना एक बिल्कुल साफ है, इस तरह से लेकर के आए तो बनावट नहीं है। सबसे बड़ी बात हम ये कह करके, कुछ नहीं है, झूठ है, ऐसे कह करके तो हमें उसको दुख पहुंचा रहे उस परिवार को। हम उसके लिए एक साधु संतों से बैठ करके एक समग्र रूप से एक प्रार्थना करें कि वो परिवार सुखी हो और उसका ये बीमारी निकले, इससे अतिरिक्त इसका कोई भी इलाज नहीं।